हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम करता आप सभी लोगों का फ्री फायर की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो भाई लोग, आपसे पता है कि यहाँ से हम लोग का जो इवेंट है चल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग क्या बोलते हैं भाई, गैस द विनर फाइनली, ये वाला इवेंट हम लोग चल रहा है। और आप, आई होप कि आप लोग यहाँ पर से डेली यहाँ पर से बिट लगा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर से आप क्लेम करके यहाँ से जो आपको टीम सेलेक्ट करना होता है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। बट बहुत सारे लोग कमेंट आ रहा था कि भाई यहाँ पर से कौन सा टीम जो सबसे बेस्ट है, कौन सा टीम जो है हम लोग के, कौन सा टीम के ऊपर मतलब कन्फर्मली बिट लगाना चाहिए, जिससे हम लोग यहाँ से जीतने का चांस ज़्यादा बने, साथ ही साथ जो हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं भाई, जो हम लोग को वहाँ से रिवार्ड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस टीम पर लगाए हैं, जिस राउंड पर लगाए हैं, जिस कंट्री के ऊपर लगाए हैं, मतलब जिस प्लेयर को, टीम के ऊपर, वो टीम अगर आपका जीत जाता है तो उसका जो कॉइन्स मिलेगा, उस कॉइन्स को आप क्लेम कहाँ से करेंगे, ये सब कमेंट आ रहा था। तो फाइनल हम आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स बताने वाले हैं। तो उससे पहले बता दें, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स या फिर कोई भी इवेंट होता है या फिर अपकमिंग अपडेट्स होता है, मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स के साथ बताता हूँ। और गाइस, मैं आपको जो हम लोग का जो न्यू अपडेट्स आने वाला है उसमें हम लोग का यहाँ से क्या बोलते हैं प्रगेटरी मैप जो, उसमें बहुत भी बड़ा बिग चेंजेस होने वाला है, जिसका वीडियो मैं आपको कल देखने के लिए मिल जाए, कल मॉर्निंग में या फिर कल किसी टाइम में आपको उस अपडेट्स के रिगार्डिंग आपको एक वीडियो देखने के लिए मिल जाए, जिसमें बरमुडा ने भी प्रगेटरी मैप में जो बिग चेंजेस होने वाले, बहुत ही बड़ा चेंजेस होने वाला है, जिसका अपडेट्स मैं आपको कल दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ, अगर आपने मेरे को निमोटिव पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा निमोटिव का, सिंपली वहाँ से जाकर निमोटिव पर फॉलो कर लीजिए। तो गाइस, यहाँ से सबसे पहले पहले चलते हैं हम ऐसे नीचे ऑप्शन में, यानी कि गो टू पे क्लिक करके अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर में कुछ फाइल्स आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हम लोग का जैसे डेट है वो 3 दिन 4 घंटे 21 मिनट 36 सेकंड 35 सेकंड 34 सेकंड 33 सेकंड बचा हुआ है। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं, 16 तारीख को है, 16 नवंबर को ओलंपिक पार्क में यहाँ पर ये इवेंट होने वाला है जेनेरो में। उसको सिंपल हम लोग इंटर पे क्लिक करते थे, यहाँ से आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग बोल रहे थे जो स्टोर है हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला। तो कितने ऐसे लोग हैं जिसको स्टोर अभी तक देखने के लिए नहीं मिला, और कितने ऐसे लोग हैं जिसको स्टोर जिसके फ़ोन में दिख रहा है, कमेंट पर श्योरली बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहा था कि भाई हम लोग गेम में जो स्टोर दिखने रहा है, स्टोर दिखने रहा है, तो स्टोर हम लोग किस तरीके से लाएंगे। तो गाइस, कल मेरे से मिशन बहुत ही मतलब भयंकर गलती हो गया, कि आप देख पा रहे मेरे पास टोकन है वो 160 ही है, जबकि यहाँ पर से मेरे पास टोकन ज़्यादा होना चाहिए था, तो यानी कि 240 का टोकन होना चाहिए था मेरे पास, बट यहाँ पर से 160 है। तो कल मैंने 80 टोकन क्लेम करना भूल गया था, मतलब कुछ शायद कहीं चला गया था, इसी वजह से मेरे को मैं इस क्लेम को टोकन को क्लेम करने भूल गया था। तो सिंपली मतलब आपको टेंशन आती है किस चीज़ को लेकर आती है, यहाँ से और टीम से आते हैं तो यहाँ से आपको मतलब अरे भाई किधर गया मिशन, तो यहाँ से क्लेम करने का मेरे को ऑप्शन आया। तो मैंने सबसे पहले मैं क्लेम कर लेता यहाँ से A1 टोकन, तो मेरे को यहाँ से टोकन मिल रहा है यहाँ से, तो टोटल मैं क्लेम कर लेता हूँ। मेरा तो एक जो है अनकम्प्लीट है, तो फाइनली मैंने यहाँ पर क्लेम कर लिया। तो कल मैंने इसे क्लेम नहीं करा था, और साथ ही साथ बोलो लोग बोल रहे थे झंडे को लेकर, इमोट्स को लेकर, तो उसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका, फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। उसके बाद यहाँ से अगर आप लोग चलते पिक एंड विन पे, तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे वन एक राउंड पे मैंने यहाँ पर से ये वाला सेलेक्ट कर रखा है जिसमें मेरा मार्क लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे मैंने यहाँ पर से कौन वाला भाई, यहाँ से दो वाला सेकंड में मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो थर्ड में आपको दिखा सकते हैं, थर्ड में मैंने ये दो वाला सेलेक्ट कर रखा है। फोर्थ राउंड में मैंने यहाँ पर से ये दो वाला सेलेक्ट कर रखा है। फिफ्थ राउंड में मैंने यहाँ से एक ये वाला, एक ये वाला यहाँ पर सबको दिख रहा है, टिकट टाइप का मैंने उसे सेलेक्ट कर रखा है। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग बोला था कि भाई यहाँ पर से हम लोग मतलब कैसे पता चले कि हम लोग यहाँ से विनर हुआ, हम लोग का जो टीम जो जीतता है उसका कॉइन्स आपको कहाँ से मिलेगा। तो गाइस, इसका टेंशन आप मत लो, आपको जो कॉइन्स मिलेगा ना, अगर आपका किसी भी जिस टीम पे लगाए हैं, मेरे को तो लगता है यहाँ पर से मिल जाएगा भाई, अब आसान कर दिया है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में मैंने यहाँ पर से एक टीम पे लगा के रखा है, ठीक है, तो मेरे को दूसरा फिर जो आपको स्टार्टिंग में तीन जो टीम मिलता है, ये दो, ये वाली और ये, एक दो तीन, ये तीनों टीम पे तो आपको लगाने ही लगाना, ठीक है, आप किसी में लगाते या नहीं लगाते, बट उस तीन टीम में आपको स्योरली लगाने ही लगाना। और साथ ही अपने इंडिया वाली जो टीम है नवाब जादे, इसको आप लोग सपोर्ट कर देना, क्योंकि ये अपना इंडिया का टीम है। तो यहाँ पर से आपको मतलब अगर आपको ये जीतता भी नहीं है ना, तो फिर भी आपको मतलब अपना विश्वास दिखाना है कि हाँ हम लोग का इंडिया का जो टीम है वो स्योरली फाइनल में जीतेगा और यहाँ से हम लोग चैंपियन बनेंगे। आप इस पर लगा सकते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपन का भरोसा के लिए। तो मैं सिंपल यहाँ पर से पिक कर लेता हूँ यहाँ से एक, तो मेरा जो यहाँ पर दो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको स्टार्टिंग में ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, तो किधर का भी ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर से आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, तो मैंने फिर से इसे यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर से आपको राउंड राउंड सेलेक्ट करते जाना है। तो आपको जो स्टार्टिंग में तीन मिलता है ना, स्टार्टिंग में तीन आपको उसे सेलेक्ट करना ही होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये तीनों टीम जो है जीतने का चांसेस है इन तीनों टीम का ज़्यादा है, और यहाँ से मतलब कन्फर्म है लगभग बहुत सारे लोग कि ये लोग जो मतलब खेलने में बहुत आगे, और यहाँ पर से खास करके ब्राज़ीलिया को जो है ना टीम,
ब्राज़ील पे तो आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि वहाँ का टीम ज़्यादातर टूर्नामेंट होता है। आप देखते होंगे कि ये जो ब्राज़ीलिया हुआ, इंडोनेशिया हो गया, उसके बाद वियतनाम हो गया, और उसके बाद लातान हो गया, ये सब तीन चार जो टीम है, तीन चार जो कंट्री है, वहाँ पर फ्री फायर का जो गढ़ होता है, गढ़ जिसे आप मतलब जड़ बोलते हैं, फिर स्टार्टिंग बोलते हैं, या फिर कुछ भी बोलते, शीर्ष बोलते बोल सकते हैं आप उसे, पीक, ठीक है। तो ये तीन चार जो कंट्री है ना, फ्री फायर को मतलब अच्छी तरीके से पकड़, इन लोगों के पास फ्री फायर की ग्रिप बहुत अच्छी तरीके से, और उन लोगों के बीच में टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया में तो जो टूर्नामेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, उतना मतलब नहीं होता है, बट इन तीन चार कंट्री में जो है जो टूर्नामेंट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। आप लोग सुनते भी होंगे कि आप देखे होंगे कि अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फ्री जो ब्राज़ील का है या फिर इंडोनेशिया का है जो सर्वर यूज़ करता है, तो वहाँ सब देख पा रहे हैं, वहाँ देख आपको देखने के लिए मिलता होगा, जैसे वर्ल्ड सीरीज वन, लीग वन, लीग टू, लीग थ्री, इस टाइप का आपको देखने के लिए मिलता है। तो उन लोगों के बीच जो है परसों जो है टूर्नामेंट बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको टीम जो सेलेक्ट करना है, स्टार्टिंग में आपको तीन जो टीम से टीम जो मिलता है ना, आपको तीनों टीम को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से तो हम लोग को डेली यहाँ से ऑप्शन मिलता है, डेली फीचर मिलता है। तो यहाँ सब का हर राउंड पे आपको स्टार्टिंग में तीन तीन टीम को सेलेक्ट कर लेना है, तीन तीन टीम को आपको स्टार्टिंग में सेलेक्ट कर लेना है। तो उन तीनों टीम में से जरूर है कि दो टीम जो सियोरली सियोरली जीतेगा। और यहाँ सबको जो अगर चैंपियन में सेलेक्ट कर लेना, चैंपियन में, तो चैंपियन में आप नवाबजादे को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो क्या बोलते हैं भाई इसका, अरे ब्राज़ीलिया को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नवाबजादे आप अपने ट्रस्ट दिखा सकते हैं, बट कंफर्म नहीं है कि ये चीज़ जीतेगा, क्योंकि नवाबजादे इंडिया का प्लेयर है, और इंडिया का जो मैच होता है और अदर कंट्री का जो मैच होता है वो कुछ अलग होता है, उन लोग का जो खेलने का कैपेबिलिटी होता है वो अलग होता है। आप जानते होंगे कि इंडिया का जो स्टूडेंट है वो उसके पास काम भी रहता है, और उसका मतलब हर इंसान का जो पेरेंट्स होता है वो उतना मतलब अच्छी तरीके से उसे मैनेज नहीं कर पाए। जैसे हम लोग अपने एरिया की बात कर ले, तो हम लोग अगर पढ़ाई करेंगे तो खुद के बलबूते पे पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे हम लोग खुद से अगर अर्निंग करते हैं, खुद से कमाते हैं, तभी हम लोग स्टडी कर पाएंगे, और खुद से अर्निंग नहीं करते तो हम लोग मतलब जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, इस एरिया में अगर आप खुद से अर्निंग कर सकते हो तो आप पढ़ाई कर सकते हो, और आपको अर्निंग करना नहीं आता तो आपको पढ़ाई करना नहीं आता है। तो इसी वजह से मेरा जो पढ़ाई हो मैंने बीच में रोक दिया था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था उतना मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई जो रोक दिया। तो इस टाइप का अगर फैमिली में रहता है तो वो लोग क्या करते हैं, एक तो पढ़ाई भी करते हैं, साथ ही साथ कुछ काम भी करते हैं अपने अर्निंग के लिए, यानी कि पैकेट पैकेट मनी के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर से गेम प्ले में टाइम भी निकालते हैं। बट उन लोगों का जो बच्चे होते हैं ना, जिससे इंडोनेशिया का हुआ फिर ब्राज़ील का हुआ, उन लोगों के पास कोई काम धाम नहीं होता अभी, वो लोग अमीर का बच्चा है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, सिंपली उसका जो फोकस होता है वो ज़्यादातर गेम के अंदर होता है, वो लोग ज़्यादातर गेम प्ले करते हैं, और टेक्नोलॉजी में उन सबको मास्टर है। क्यों? क्योंकि उनके पास महंगा फ़ोन है, अच्छा खासा फ़ोन है, अच्छे रैम का फ़ोन है, तो उसका जो गेम प्ले होता है वो रात दिन उसी में पड़ा भरता है, उसको बोरिंग सा नहीं लगता, और वो जो है तगड़ा गेम प्ले करता है। बट इंडिया क्या होता है, इंडिया में कुछ ऐसा मतलब हर चीज़ का सुविधा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग जो है अच्छी तरीके से गेम प्ले नहीं कर पाते। अपना काम होता है, अपना स्टडी होता है, अपना जो भी होता है, या फिर पेरेंट्स उतना अलाउड नहीं करते हैं कि आप ये करो वो करो। बट इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर स्टार्टिंग में तीन टीम को सेलेक्ट कर लेना, कन्फर्म को तीन टीम को सेलेक्ट कर लेना, जिससे आपको यहाँ पर जीतने का चांस है बहुत ज़्यादा है। और चैंपियन में आपको जो सेलेक्ट करना है वो आप नवाबजादे को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ब्राज़ील को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मतलब वियतनाम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आपको डेली यहाँ से करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्लेम की बात करें, तो क्लेम को निकले कोई दिक्कत वाली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर से आपको कोई ना कोई फीचर दे दिया जाएगा भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पर से आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपको फीचर दे दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप अपना जो टोकन्स होता है उस आपको क्लेम करने को मिल जाएगा। उस लास्ट में आप एक टीम पर लगा सकते, ये इन्फिनिटी जो है ना, इन्फिनिटी वाठी, इसी पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये टीम थोड़ा सही है और यहाँ से अच्छा खेलने के चांस है कि ये जो है अच्छा गेम प्ले करेगा। और गाइस यहाँ पर से बात करें कुछ और थोड़ा अपडेट्स की, तो हम लोग को जो यहाँ पर से क्या बोलते हैं भाई, अरे वो क्रॉसबो होता है ना, क्रॉसबो, तो क्रॉसबो जो हम लोग का है वो ड्रॉप में सिर्फ मिलेगा। जिस क्रॉसबो हम लोग कहीं पर ही मिलता है ना, मतलब क्रॉसबो का जगह जो उसे तो रिप्लेस कर दिया गया ना, उसको जगह जो चेंज कर दिया गया है। तो मतलब हम लोग जो जहाँ पर पिस्टल करना था ना, पिस्तौल के जगह पर हम लोग क्रॉसबो रख सकते थे, बट इस अपडेट का मतलब अब जो है क्रॉसबो आपको जो मिलेगा गेम के अंदर, तो गेम के अंदर कहीं पर ही पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। जिस तरीके से हम लोग का ग्रोजा हो गया, या फिर क्या बोलते हैं अरे स्नैपर हो गया, जितना भी स्नैपिंग का होता है AWM, तो ये सब गन जो हम लोग को सिंपली यहाँ पर से हम लोग को ड्रॉप में मिलता है ना, तो सेम टू सेम आपको क्रॉसबो जो अब आपको गेम के अंदर कहीं पर भी नहीं, मैप में नहीं देखने मिलेगा, सिंपली आपको जो आपका ड्रॉप होता है वहाँ पर मिलेगा, या फिर जो आप मतलब किसी बंदे को किल करते हैं, अगर आप उसमें बॉन्टी यूज़ करते हैं तो बॉन्टी के यूज़ करने के बाद वहाँ से आपको निकलता है। तो जितना चीज़ आप लोग बॉन्टी से निकलता है, फिर ड्रॉप से निकलता है, आपको क्रॉसबो भी उसी सिस्टम से निकलेगा, आपको गेम के अंदर वो चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर सबको तो आपको ये सब चीज़ पता ही है कि कौन सी भाई ये जो टोकन है रैंक टोकन, तो रैंक टोकन आपको 16 तारीख को गेम प्ले करना होगा, 18 बजे से लेके कितना बजे मतलब
2 घंटे 3 घंटे इसका टाइम है। तो इसका टाइम जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो फाइनली ये थी इसका अपडेट्स जो आप लोग पूछ रहे थे भाई कि हम लोग को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कौन सा टीम सबसे अच्छा हो। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में आपको टीम जो 3 4 जो टीम है वो आपको सिलेक्ट करना ही करना होता है। उसके बाद दूसरा टीम अगर टोकन बचता है तो आप दूसरा टीम सिलेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग को जो कॉइन्स मिलेगा वो हम लोग कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से हम लोग कॉइन्स मिलेगा, तो मेरे को लगता है कि भाई वो जो 800 मतलब 600 में जो बंडल है ना वो सबको मिल जाए। क्यों, मेरे को पहले स्टार्टिंग में नहीं लग रहा था कि मिलेगा। मेरे को लगता है सिंपल हम लोग 6 टीम को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 6 टोकन हम लोग को मिल रहा था तो मेरे को लगा 6 टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ से हम लोग को डेली डेली 6 टीम 6 टोकन मिल रहा है तो 6 6 36 टोकन आपको टेली में टोटल मिल जाता है, जिसमें टोटल 33 36 टीम को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपका जो लक अगर सही रहा तो यहाँ से आपको लगभग टोटल आपको यहाँ से टोकन मिल जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई टीम तो आपको जीतेगा ही जीतेगा। तो 600 टोकन में आप उतना सारा चीज ले सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको इतना सही बताना था, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।